अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर वन का हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर वन देखेंगे, वो भी सॉल्व किया हुआ। ऐसे 7 पेपर है, अगर आप ये 7 पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो यू विल गेट नियर अबाउट 35 to 36 मार्क्स। चलिए, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। नंबर वन, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरीन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज HCl. This compound is a solid having high melting point. Which of the following element be present in the same group as? So, हमको हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर A, sodium, B, magnesium, C, aluminium, D, silicon. So, correct option is A, sodium. Now, the second dash is the example of unsaturated hydrocarbon. Option है A, CH4, B, CH3Cl, C, C2H2, D, C2H5OH. So correct option is a C2H2 is a unsaturated hydrocarbon. Now the third one is the resistance of wire is 100 ohm if it carries a current of 1 ampere for 10 seconds. The heat produced 100 joule. Option B is 10 joule. Option C is 0.1 joule and 1000 joule. So correct option is 1000 joule. The absolute refractive index is dash. Is expressed in diopter in meter per second. Option C is of air is about 4/3 and D has no unit. So option D is the correct, because कोई भी जो refractive index जो है वो ratio में होता है, ratio की कोई unit नहीं होती है. Tin is alloy of option A copper, B tin, zinc and silver. तो tin जो है वो alloy of copper है. So ये option से question थे, 5 question है. Next हम आप marks मिलेगा. क्वेश्चन नंबर वन का बी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर वन है नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट द लॉ। सो ये डायग्राम जो आपको पता है ये राइट हैंड रूल है, सो इसका हम नाम लिखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस पोजिशन द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, द इंडेक्स फिंगर the direction of the magnetic field and the middle finger shows the direction of the induced current. So second question जो हमारे पास है, find oddment out reflection, dispersion, refractive index and refraction. तो इसमें जो reflection, dispersion, refractive index ये जो है इसमें से हमको find out करना है, तो हमारे पास answer है refractive index. Because ये जितने भी है सब ये natural phenomena है, refractive index एक ratio है. नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल ऑफ कॉनकेव लेंस, सो इट इज राइट, तो ट्रू लिखेंगे। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ऑटर इंक, सो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऑटर इंक में यूज होता है, उसी से ऑटर इंक जो है वो बनता है। फिफ्थ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन CH3CH2CH3, राइट द नंबर ऑफ CH2 यूनिट। तो CH2 यूनिट इसमें जो है वो 3 है, so number of CH2 unit is 3. Next देखेंगे हम लोग यहाँ पर, give scientific reason of any two of the following, चार मार्क्स के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, geostationary satellite is not useful for study the polar region. Geostationary satellite not useful for study the polar region. So इसका आंसर है orbit of geostationary satellite is parallel to the equator. यानी इक्वेटर के पैरेलल ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है। द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ एंड द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स टू द रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बीइंग द सेम। जैसे जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है, सेम टू सेम वो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ रिवॉल्व करता है, दोनों को रिवोल्यूशन जो है वो सेम है, उसका टाइमिंग भी सेम है। द सैटेलाइट आर स्टेशनरी विथ रिफरेंस टू द अर्थ, दे कैन ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अर्थ कंटिन्यूअसली। अब अर्थ के साथ ये जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सेम टू सेम ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये अर्थ के साथ स्टेशनरी पोजीशन में है। जैसे अगर दो ट्रेन एक साथ एक स्पीड से आजू बाजू जा रही है तो आपको समझ में आएगा, दोनों में अगर आप मौजूद है तो जो ट्रेन में बैठकर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आप दोनों स्टेशनरी है, एक ही साथ है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये जो है एक स्पेसिफिक पार्ट का ही जो स्टडी कर सकता है ये सैटेलाइट। नेक्स्ट, therefore geostationary satellite not useful for study the polar region. अगर ये stationary है, अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहा है जैसा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर ये पोलर रीजन के स्टडी कैसे कर साएंगा, इसलिए इसका रीजन
ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस द यूनिट ऑफ किलोवाट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रादर देन जूल। ये हमारा एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस में हम किलोवाट लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल की बजाय, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखते हैं हम लोग। दिस इज बिकॉज द जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट एंड द एनर्जी कंजप्शन इन डे टू डे लाइफ इज वेरी लार्ज। जो हम एनर्जी कंजर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत लार्ज होती है, बड़ी होती है, बड़े पैमाने पर होती है, और जूल जो है वो बहुत छोटी यूनिट है। इफ इट कम इन फिगर ऑफ 10^6 to 10^8, ये 106 नहीं 10^6 है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। Thus, the reduce the complexity of handling such large figure, a bigger unit was required. तो इतनी बड़े अगर हम large figure को अगर handle कर रहे हैं तो उसके लिए हमको unit भी बड़ी लगेंगी। So therefore, this bigger unit used for the measurement of electric energy kilowatt and it's related to joule. Okay? 1 kilowatt 3.6 × 10^6 joule. Hence, the energy reading commercially becomes simpler by using this bigger unit instead of joule. ये complete इसका reason हो गया, 4 point है, आपको 2 marks easily carry हो जाएगी। Next question, in cold region in winter the pipes of water supply break and even rock cracks. Rock जो है वो भी crack हो जाते हैं और जो pipeline जो supply करता है पानी को कभी कभी वो भी burst हो जाते हैं, break हो जाते हैं। तो उसका reason है, during the winter season in cold country the temperature of atmosphere falls well बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से। वहां पर जो विंटर कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो ऐसे कंट्रीज में जो है वो टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो रहता है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनसाइड द पाइपलाइन आल्सो डिक्रीज। तो पाइपलाइन के अंदर जो पानी है उसका वाटर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉल्स बिलो 4 डिग्री इट स्टार्ट एक्सपांडिंग इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। देखो जब 4 डिग्री से जैसे ही नीचे आना शुरू होगा तो पानी का एक खासियत है, वाटर का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। सिंस देयर इज नो प्लेस फॉर वाटर टू एक्सपांड इट एक्सर्ट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पाइपलाइन कॉजिंग देम टू बस्ट। तो फिर अगर पानी जब फैलना शुरू होगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी, तो वो पाइपलाइन के ऊपर प्रेशर डालेगा और वो बस्ट हो जाएगी। सिंपल रॉक क्रैक भी इसीलिए जो वहां पर बस्ट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आपको कोई भी एनी 4 मेथड यहां पर जो है वो कंप्लीट करना है। तो मैं लिख रहा हूं सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड जो है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एंड द फोर्थ वन इज लीचिंग। 4 कोई भी आप मेथड यहां पर फिल कर सकते हो बॉक्सेस में। नेक्स्ट, Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 18 kg respectively. What is the gravitational force between them? तो सबसे पहले आप ऐसे वो जो न्यूमरिकल प्रॉब्लम है इसमें आपको फार्मूलेज याद होना कंपलसरी है। अगर आप फार्मूलेज याद करते हो तो आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अब यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है और गिवन क्या है हमारे पास? तो देखिए, द महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब ये डिस्टेंस है दोनों का, ये 1 मीटर है। दैट मींस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय डी। सो इसको आर भी ले सकते हो, इसको डी भी ले सकते हो। सो यहाँ पर हम लेंगे 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये जो है जी की वैल्यू है, जो जी जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ये उसकी वैल्यू है। चलिए M1 जो हमारे पास महिंद्रा का जो वेट है 75 केजी, विराट का जो वेट है 80 केजी। R ये G की वैल्यू है, R दोनों का डिस्टेंस है 1 मीटर अपार्ट, दोनों वहां पर सिटिंग है। फार्मूला लेंगे F इज इक्वल टू जी एम 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 वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल इसमें आपको वैल्यू रखना है, 6.67 G की वैल्यू है, M1 की वैल्यू 75, M2 की वैल्यू 80, R 1 का स्क्वायर। सो नीचे का डिनोमिनेटर तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, 75 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6000। तो आप 6.67 को अगर आप 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 40020 × 10^-11। अब आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर जो है मिनिमम आपको डेसिमल में लेना है। अब देखिए यहां पर अगर मैं 4 के बाद डेसिमल रखता हूं, मुझे यहां पर डेसिमल लगाना है क्योंकि मिनिमम से मिनिमम हमको यहां पर इसको करना है। तो ये 1 2 3 4
तो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाता हूँ 4.0020, तो ये 10^-7 हो जाएगा। अब ये 10^-7 हुआ कैसे, देखिए अगर मैं 1, 2, 3 अगर मैं यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल लगाता हूँ, तो यहाँ पर नंबर कितने आ डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10^-4, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 के बाद जो है डेसिमल यूज किया, और 4 डेसिमल के बाद अगर आप नंबर गिनते हैं तो आपको 4 डिजिट मिलता है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई 10^4 करना पड़ेगा, और 11 और 4 क्योंकि दोनों का बेस 10 रहेगा, तो 11 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -7। सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, ये आपको आना चाहिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। CuSO4 Fe plus Cu। अब आपको पता है कि ये Fe जो है ये more reactive than copper, तो इसने इसको displace कर दिया, that means ये displacement reaction। तो identify right the type of chemical reaction, तो हमारे पास देखेंगे displacement reaction, क्योंकि Fe ने Cu को equation से copper sulfate से displace कर दिया, हटा दिया और उसकी place पे वो खुद चला गया, तो FeSO4 बन गया है, that means ये displacement reaction। So write the definition of above reaction. So the reaction in which the place of iron of a less reactive element. अब Cu जो है वो less reactive था in compound, तो ये CuSO4 एक compound है, इसमें से Cu less reactive है, तो उसको इसने displace किया, is taken by another more reactive element. तो Fe जो है more reactive है the other than the Cu. By formation of its own iron is called displacement reaction. तो आपको पूरी definition लिखनी है, और इसके लिखने के आपको एक मार्क्स और डेफिनेशन लिखने का एक मार्क्स, ऐसे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। सो अब यहाँ पर आपको आयोपिक नेम लिखना है, सिंपली आपको पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, तो आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप OH है, और जब भी फंक्शनल ग्रुप OH लगता है तो हम ऑल यूज करते हैं, ऑल OL ऑल। अब कार्बन गिनना है, कार्बन 1, 2, 3, अब 3 कार्बन है तो हमारे पास रूट वर्ड जो हो जाएगा, देखिए 1 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं एथ, 2 कार्बन होता है तो मेथ, 3 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं प्रोप, तो हमारे पास आ जाएगा ये प्रोपेन टू ऑल। अब 2 क्योंकि सेकंड नंबर के इसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा है OH, तो हम लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल, क्लियर सिंपल एकदम। अब यह है प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड क्यों, कि 1, 2, 3 कार्बन यहाँ पर भी है, बट COOH ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप में, तो जब भी COOH आता है तो हम लगाते हैं एसिड, ओइक एसिड, ये लगाना है ओइक एसिड, तो इसलिए ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ड्रॉ नीट अ लेवल डायग्राम ऑफ पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। चलिए ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है 2 मार्क्स के लिए, सिंपल है, सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर इसको पेंसिल से थोड़ा डार्क बनाने का है, मतलब थोड़ा डार्क करना है ताकि वो वाटर समझ में आए, बाकी एक सोर्स लेना है लाइट सोर्स, और यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन करते जाना है और यहाँ तक के वो इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाए, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और बाकी ये सब पार्शियल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ई 5। नंबर 1, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल ए इज 281 एंड मेटल बी इज 282, विच ऑफ द 2 मेटल इज मोर रिएक्टिव। इनमें से कौन सा मेटल ए या मेटल बी मोर रिएक्टिव है, राइट देयर रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ इसका रिएक्शन हमको लिखना है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल ए इज 281, अब देखिए 281 है मतलब यहाँ पर ये मेटल कौन सा ये आपको पहचानना है, बी मेटल कौन सा ये आपको पहचानना है, तो मेटल ए इज सोडियम, मेटल बी इज मैग्नीशियम, बिकॉज 281 जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सोडियम का है और इसका एटॉमिक नंबर है 8 और 2 10 और ये 11, यहाँ पर ये 8 और 10 और 2 12, तो 12 जो है मैग्नीशियम का होता है, इसलिए ये मेटल बी मैग्नीशियम है, मेटल ए सोडियम है। अब मोर रिएक्टिव कौन था, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट, राइट देयर रिएक्शन विद डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो चलिए लिखते हैं, एटॉमिक नंबर ए इज 11, हेंस इट इज सोडियम, तो सोडियम के साथ HCl का रिएक्शन आपको मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सिंपल आपको जो मोर रिएक्टर है उसका यहाँ पर
अगर B का भी लिखते हैं आपको तो B का भी यहाँ लिख सकते हैं, Mg plus 2HCl to MgCl plus H2 आप ऐसा लिख सकते हो, सेम टू सेम, ओनली Na की जगह आपको लिखना है Mg, दोनों लिख सकते हैं आप। ओके नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन एग्जांपल। ये टर्म को हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कौन सा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उसके कुछ एग्जांपल्स देना है। नंबर वन, द सब्सटेंस विच अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाइल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्शन करता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है उसका और वो रिएक्शन होता है तो उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और इनका रिएक्शन होकर हमको एक प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो न्यू बॉन्ड से हमको फॉर्म होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल। समझ लो कार्बन एक गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमको मिला CO2। सो सी और O2 ये रिएक्टेंट है और हमको प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस बाय कंबशन ऑफ कोल एयर। दिस रिएक्शन कोल यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आर द रिएक्टेंट व्हाइल द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन लिखा हमने इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि उसने बोला गिविंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो लिए हमने उसको एक्सप्लेन करना है इन अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन जो एयर के, हमने कार्बन जलाया था कोयले को, अगर हम एयर में जलाते हैं तो इनके फॉर्मेशन से हमको एक गैस मिलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, उसी को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, 2H2O+O2, मतलब 2H2O बैलेंस है ये और हमको मिलता है वाटर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर H2 एंड O2 टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन हेंस दे आर रिएक्टेंट, H2O इज फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड हेंस इट इज अ प्रोडक्ट। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको लिखना, आप क्या देखते हो आंसर बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, आंसर बड़े होने से कुछ नहीं है, उसमें जो है ये मैटर कितना इजी है वो देखिए। आपको सिर्फ लिखना है कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल देना है, वो उस एग्जाम्पल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ये कार्बन कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस है, इसके टाइप्स हमको लिखना है। तो नंबर ए जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एडिशन रिएक्शन है और इसके बाद फोर्थ वन, ऑब्जर्व द फिगर आंसर द क्वेश्चन विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन दिस फिगर, विच रूल इज यूज टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस प्रिंसिपल, इन विच मशीन दिस प्रिंसिपल इज यूज। ये हमारा जो है डायग्राम है। चलिए ये डायग्राम को देखकर हमको ये क्वेश्चन लिखना है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन दिस फिगर। तो पहला आंसर है हमारे पास कि ये जो है अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पर हम इस प्रिंसिपल में यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि अगर किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे, प्रेजेंस में रखे, तो वहां पर एक फोर्स एक्सर्टेड होता है, इस मेथड में ये बताया गया। विच रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल इज यूज। तो लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन किस टाइप की सिम्ट में, किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स जो है लग रहा है। इन विच मशीन दिस प्रिंसिपल यूज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में ये प्रिंसिपल यूज होता है। सिंपल है, देखिए इतना बड़ा है, इतने फिगर दिया है, तीन क्वेश्चन दिया है, पर उसके आंसर जो है ना बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर जो समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कलर लाइट रे बेंड मोस्ट, इसमें से कौन ज्यादा रिफ्रेक्ट हुआ बेंड हुआ, विच कलर लाइट रेज बेंड लीस्ट, कौन सबसे ज्यादा लीस्ट बेंड हुआ, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वायलेट लाइट रेज। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वायलेट बेंड द मोस्ट, देखिए यहाँ से निकला और इतना बेंड हुआ है, सबसे ज्यादा मोस्ट बेंड जो है वायलेट कलर हुआ है, और लीस्ट आप देखेंगे तो रेड कलर हुआ है, तो हम लिखेंगे रेड बेंड्स द लीस्ट। और वायलेट का जो है वो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर, सो हम इसको लिखेंगे द वेवलेंथ ऑफ वायलेट रेज इज 400 नैनोमीटर। अगर इसकी प्लेस पे रेड लाइट का पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो आप लिखेंगे 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट,
What are the satellite launch vehicle? Explain the satellite launch vehicle developed by ISRO with the help of schematic diagram. यानी हमको लॉन्च व्हीकल की डेफिनेशन देना है और इसरो के जरिए बनाया गया जो लॉन्च व्हीकल है उसकी डायग्राम भी बनाना है और उसको लेबल भी करना है. सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट. ऑर्बिट में हमको जब सैटेलाइट लॉन्च कर वो करना होता है, प्लेस करना होता है, तो हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं लॉन्च करने के लिए. द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन. द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ये लॉन्च व्हीकल का नाम है. Developed by ISRO in shown below, it is a vehicle 4 stage using solid, liquid, fuel. 4 stage में यहाँ पर fuel use किया जाता है, solid भी होता है, liquid भी होता है. The weight of vehicle is decreases after each stage. हर stage जिसका जिसका fuel end हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो वहाँ से deattach हो जाता है body से, satellite की body से निकल के जो है air में dispose हो जाता है और जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे वैसे वैसे इसका weight जो है वो decrease होते जाएंगे. Because the consumption of fuel at the stage and deattachment of that stage, that is the empty tank, मतलब जिसका fuel खत्म हो गया वो निकल जाता है from its body से, thus the vehicle moves with speed after every stage. तो हर इसमें जो है जैसे जैसे जिसका जिसका stage का fuel खत्म होते जाता है वो body से deattach हो जाता है, निकल जाता है और उसकी वजह से satellite का weight जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है. ये पूरी description है इसकी. अब हमको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसको उसका डायग्राम बताना है. तो ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है और ये डायग्राम सिंपल है, कुछ जरूरी ज़्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है. इस डायग्राम को बना के आपको लिखना है, पहले इंजन यूज सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड द इनिशियल थ्रस्ट. ये इंजन जो है ये पहले जो ऑर्बिट को अपने ऑर्बिट बोल रहा हूँ सेटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए स्पेस में या ऑर्बिटल में भेजने के लिए थ्रस्ट देता है, मतलब ये धक्का मारता है. दूसरा इस फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, ये स्टेज में यहाँ पर सॉलिड फ्यूल रहता है, जब ये निकल जाता है तो ये डी अटैच हो जाता है. सेकंड स्टेज लिक्विड फ्यूल रहता है, जब ये यूज हो जाता है तो ये डी अटैच हो जाता है. थर्ड स्टेज पे भी सॉलिड फ्यूल रहता है, फिर लिक्विड फ्यूल रहता है. जैसे जैसे ये सब फ्यूल जो है खत्म होते जाते हैं तो ये सेटेलाइट से अलग होते जाते हैं और हमारा जो है ये इसके ऊपर इसके अंदर सेटेलाइट रहता है, फिर ये सोलर पैनल खुल जाते हैं और सोलर एनर्जी से वो आगे चलता है. ओके. The masses of Earth and Moon are 6 × 10^24 kg and 7.4 × 10^22 kg respectively. The distance between them is 3.84 × 10^5 km. Calculate the gravitational force of attraction between the two. चलिए यहाँ पर एक अर्थ और मून का जो है वो मास दिए गया है और यहाँ पर हम डिस्टेंस बिटवीन देम उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है. हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है मून और अर्थ के बीच में. सिंपल है, जैसे हमने महिंद्रा विराट का फाइंड आउट किया ऐसे यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है. दोनों का मास गिवन है, रेडियस गिवन है, मतलब दोनों के डिस्टेंस गिवन है और जी की वैल्यू हमको मालूम है, ये याद रखना है. इवन कभी कभी एग्जाम में ब्रैकेट में गिवन रहती है जी की वैल्यू नहीं है तो आपको याद रखना है. उसके बाद यही फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है और मैंने आपको बताया है कैसे इसको सॉल्व करना है, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है. अगर आपको फिर भी नहीं समझता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको एक अलग से वीडियो न्यूमेरिकल की बना के डाल दूंगा. ओके. Next, observe the given picture and answer the following question. Which property do you understand in this picture? What is the temperature of the water at surface? And what is the temperature below the layer of ice on the surface? चलिए, anomalous behavior of water. ये जो picture है, इसमें जो property बताई गई है, वो anomalous behavior of water है, जो जिसमें जो है, above surface जो है, वो ice layer होती है, नीचे water होता है, जिसमें जो है, फिश वगैरह जो है, प्लांट्स वगैरह जो है वो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं. टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट सरफेस इज 0 degree Celsius. थर्ड क्वेश्चन, द टेम्परेचर बिलो द लेयर ऑफ आइस सरफेस अप्रोक्सीमेटली 0 एंड माइट इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डेप्थ. जैसे जैसे वो डेप्थ होता जाएगा, हम नीचे जाएंगे, वो इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर, बट जो सर्फेस का टेम्परेचर है वो 0 रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप एक मैं को एक चीज बता दूं, अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जरूर यहाँ पर अगर लिखते हैं आपके 4 degree Celsius तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. जैसे आप होम अपरेटस में लिखते हो सेम टू सेम अगर यहाँ पे लिखे तो नो प्रॉब्लम, बट ये मैंने थोड़ा एलिबरेट किया है अपने आंसर को, इसलिए आप ऐसा लिखे तो बेस्ट रहेगा. नेक्स्ट देखिए भाई भाग रहा है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज अ रस्ट. रस्ट क्या है, तो रस्ट की डेफिनेशन हमको लिखना है.
A certain type of reddish colored solid layer collect on the metallic surface. This layer is called rust. एक ये रस्ट है, ठीक है? Write the reaction, write the chemical formula of rust. Rust का chemical formula आपको यही लिखा है फिगर में, कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस यहाँ पर मैं एक elaborate कर रहा हूँ, यहाँ पर X लगा दे रहा हूँ. देखिए X H2O मतलब the molecules of water कितने होंगे. अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो no problem. जैसा ये फॉर्मूला लिखा है आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे. सब आपको यहाँ से देखकर लिखना है, नथिंग टू बी. आपको कुछ याद है नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये फिगर से आप देख देख कर लिख सकते हैं. राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड एनोड. एनोड देखिए ये है, उसका रिएक्शन ये है, उसको उड़ा के यहाँ पर लिख दीजिए. बहुत सिंपल है. बट मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+ इन द एनोड रीजन, और उसका रिएक्शन यहाँ पर, यही रिएक्शन देखो यहाँ लिखा हुआ है. थर्ड वन, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड. तो इसको भी लिखा हूँ मैंने, O2 इज रिड्यूस टू फॉर्म अ वाटर इन द कैथोड रीजन, O2+4H+4E-2H2O. ये हो गया. यहीं से आपको पूरा फिगर पे से पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. बस 2 क्वेश्चन है. रस्ट की डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्रोजन किसको बोलते हैं वो आना चाहिए. तो वट इज द क्रोजन, ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमोसफियर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस कंसिक्यूटली, मतलब कंटिन्यूअस होते रहता है, रिजल्टिंग इन दिस इन देयर डैमेज. तो वो इस, जब ये जो ऑक्सीडेशन होते रहता है तो उससे जो सरफेस है मेटल का वो डैमेज हो सकता है. दिस इज कॉल्ड कोरोजन. आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज कोरोजन ऑफ आयरन. क्लियर. चलिए ये आपके पूरा जो है यहाँ पर पेपर जो है वो फिनिश हो गया है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर, अगर आपको इसका PDF चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप इस पर मैसेज कीजिए इस मेल पर, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, बट उसके चार्जेस हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.